तो ये गाइस नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लेके आ चुके हैं एसडी रोडस्टर। तो ये एसडी में जो तीनों के तीन मॉडल आए हैं, जो स्क्रैम्बलर है, जो एडवेंचर है, तो ये जो एसडी का रोडस्टर है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है। मतलब डिस्प्ले में भी ये बाइक अवेलेबल नहीं, उतना इसका मार्केट है। और आप देख सकते हो कि बाइक काफ़ी खूबसूरत लग रही है। बाइक थोड़ी थोड़ी आपको हार्ली डेविडसन की जो आयन 883 आती है उस तरह का थोड़ा लुक लग रहा है। वैसे तो वही नहीं है, लेकिन काफ़ी मिलता जुलता लुक आपको इसमें लग रहा होगा। तो ये रॉयल एनफील्ड की मीटियोर को ज़रूर टक्कर देने वाला है। प्राइसिंग रेंज की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो आप देख सकते हो कि 334 मतलब कि 334 cc वाला इसमें आपको इंजन देखने वाला है। तो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर इंजन के पावर आउटपुट फिगर की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम पावर आपको इसमें 29 PS का मिलने वाला है, और मैक्सिमम टॉर्क तो वो भी आपको 29 Nm का मिलने वाला है। मतलब कि टॉर्क और पावर दोनों सेम है इस बाइक में, और इसका डिज़ाइन है वो कुछ अलग से ही देखने को मिल रहा है। तो जो इंजन है वो पूरा ब्लैक कोटेड आपको देखने को मिलने वाला है, यहाँ ऊपर से नीचे तक। और जो इसका एग्जॉस्ट है वो आपको इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट दिखने वाला है, लेकिन जो इंजन हेड है आगे का उसमें से ही ड्यूल पाइप निकलती है। आप देखिए यहाँ पर अंदर आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर एक दूसरी पाइप है और यहाँ पर एक दूसरी पाइप है। तो एग्जॉस्ट सिस्टम कुछ इस तरह का है, कैटालिक कन्वर्टर के साथ पूरा इस तरह से आपको ब्लैक प्रिंटेड मिलने वाला है। तो पीछे से लुक बाइक का कुछ इस तरह से लगने वाला है, अब देख रहे हो। लेकिन ये एसडी की जो भी सारी जितने भी बाइक्स आई है उसमें मेन स्टैंड है ही नहीं, तो ये थोड़ा मतलब कि मिसिंग तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन मेन स्टैंड नहीं है। वैसे तो R15 में भी मेन स्टैंड नहीं आता है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेन स्टैंड नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रंट लुक इसका, तो इसका जो ये वाला पार्ट है वो आपको नहीं मिलने वाला है, ऐसा नेकेड ही मिलने वाला है। तो आपको ये एक्स्ट्रा एक्सेसरी में डलवाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फ्रंट हेडलैम्प के ऊपर भी ये जो वाला ग्रिल दिया हुआ है वो भी एक्स्ट्रा में आपको डलवाना पड़ेगा। बाकी आगे का फ्रंट लुक है ना, ये वाला मुझे जो जावा की एक और बाइक आती थी उसी तरह का पूरा लुक लग रहा है मुझे। तो कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है इसमें। आगे का ये वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा, ये जो मडगार्ड समझ लो या फ्रंट सस्पेंशन ले लो या फिर कुछ भी ले लो, ये पूरा का पूरा जावा का जो वो बाइक आता था वैसे का वैसा ही है बाइक। मतलब कि इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, बाकी वही है बाइक ये। तो मैं आगे के फ्रंट सस्पेंशन की अगर हम बात करें, तो आपको इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और ये जो फ्रंट का डिस्क है उसका डायामीटर देखिए आप, बहुत ही बड़ा डायामीटर है। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसमें ABS भी आ रहा है। तो आपको इसमें आपको स्विचेबल ABS नहीं मिलने वाला है, लेकिन ड्यूल चैनल ABS ज़रूर मिलने वाला है। तो 18 इंच के ट्यूबलेस टायर कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, साथ में अलॉय व्हील्स के साथ ये बाइक आपको मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा एक, मतलब सिटी के लिए और हाईवे राइडिंग के लिए बाइक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। अगर आप हाईवे टू हाईवे राइड करते हो तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक रहने वाला है, तो आप समझ सकते हो। और यहाँ पे चलते हुए तो ये आप देखिए कि इस तरह का आपको इसमें हैंडल बार इस तरह का देखने को मिलेगा, ट्यूबलर हैंडल बार ही इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देखिए जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इसके। लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑन ऑफ करने वाला वो यहाँ पे नीचे की तरफ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। तो यहीं से अपने को ऑन करना है। तो आप देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा है इसमें, और आप देख सकते हो कि बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें से चेक कर सकते हो। आपको न्यूट्रल का दिखेगा, साइड लाइट इंडिकेशन, ABS, फ्यूल का और इंजन चेक लाइट, और यहाँ पे आपको स्पीड दिखाएगा, और यहाँ पे RPM, यहाँ पे आपको ट्रिप ए ट्रिप बी दिखाएगा, गियर नोटिफिकेशन साथ में, फ्यूल इंडिकेशन आपको डिजिटल दिखाएगा, नीचे टाइम, और यहाँ पे साइड स्टैंड में है गाड़ी तो साइड स्टैंड का भी इसमें ब्लिंकिंग आ रहा है। तो इस तरफ के हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ, तो इस तरह से आप अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हो, पूरा यहीं से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ से आप अपना है साइड लाइट टर्न इंडिकेशन, यहाँ पे हॉर्न का स्विच, तो इसमें मुझे हॉर्न थोड़ा लाउड होना चाहिए वैसा लग रहा है। और यहाँ पे एक पासिंग लाइट का स्विच मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको एक SD का सिंबल देखने को मिलेगा, फ्यूल टैंक का ऑप्शन, और जो फ्यूल टैंक का क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा ही। तो यहाँ पर आपको SD जो लिखा हुआ मिलेगा वो 3D एम्बोजिंग में लिखा हुआ मिलने वाला है, और यहाँ पर थाई सपोर्ट के लिए यहाँ पर रबर का ग्रिपिंग भी देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट,
तो यहाँ पर आप अपने लॉक एंड की वाला ऑप्शन है, जो स्क्रू वगैरह था वैसा ऑप्शन नहीं है लॉक। और यहाँ पर इंजन आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ब्लैक पेंटेड है और बाइक भी है ब्लैक कलर के साथ ही मैच हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ से आपको पूरा का पूरा पाइप ही एक एक्स्ट्रा दिखने को मिलेगा जो एग्जॉस्ट का है, वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो आगे का फुट पैक ये, पीछे का फुट पैक और पीछे का सस्पेंशन आपको इसमें नॉर्मली देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अभी जल्दी से इसका टेस्ट राइड लेते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लग रहा है ये बाइक चलाने में भी। तो साइड स्टैंड अप करने में थोड़ा मुझे दिक्कत आ रहा है, लेकिन हमारा क्या आदत रहता है यहीं से ऊपर हो जाएगा, लेकिन इसका साइड स्टैंड थोड़ा आगे की तरफ है। तो अभी फटाफट से बाइक को स्टार्ट करते हैं और इसका साउंड देखिए आप, बहुत ही अमेजिंग साउंड है। तो मैं चलाते चलाते आपके साथ बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ओ बाप रे बाप, गजब है भाई। गजब का बाइक है, जो सीटिंग पोस्चर है वो भी इसका काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, एकदम क्रूजर बाइक लग रहा है, पूरा सिटी राइड के लिए ये बना हुआ बाइक है। तो इसमें आप अगर पिलियन को लेके कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप जा पाओगे, क्योंकि इसमें लिक्विड कूल इंजन है, तो जो हीटिंग वगैरह का ऑप्शन रहता था वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अभी मज़ेदार बाइक है, सबसे मेन माइनस पॉइंट इसका यही है, प्लस है वो काफ़ी छोटे हैं मुझे लग रहे हैं, तो देखने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है अभी। और हैंडल बार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू यहीं से मिल रहा है मुझे, तो चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसा टहलने के लिए बाइक ले सकते हो आप, सिटी राइड के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये जावा की जो एक बाइक आती थी उसका नाम मैं भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा है, उसी तरह का पूरा कॉपी कैट है ये मतलब इंस्पिरेशन मॉडल बोल सकते हो आप इसको। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाइक काफ़ी खूबसूरत है और इसका जो फायरिंग है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। तो बाइक मैं यहीं रख दूंगा, क्योंकि वो वाला बाइक लिया था तो जैसे ही आप साइड स्टैंड लगाओगे आपका बाइक अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये सेफ्टी फीचर्स SD की सभी बाइक्स में अवेलेबल है, तो सेफ्टी का भी काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है कंपनी ने, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया लुक ले रहा है बाइक। आप देख सकते हो यहाँ से आप पूरा बाइक एकदम फाड़ू लग रहा है, पूरे सिटी राइड के लिए बहुत ही बेस्ट है रोस्टर। तो कैसा लगा आज का हमारे रोस्टर वाला वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो अगर आपको SD की और जावा की कोई भी बाइक लेनी हो तो आप कैप्टन मोटो मणिनगर अहमदाबाद में हो यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे फाइनेंस स्कीम भी अवेलेबल है, सर्विस स्टेशन भी अवेलेबल है, तो वन स्टेप सॉल्यूशन है। तो अगर आपको SD की बाइक लेनी है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए कैप्टन मोटो। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक लेकर टाटा।